फॉर इनवाइटिंग मी इन योर क्लब फॉर माय ऑफिशियल विजिट. बहुत 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 गर्व और सम्मान का अनुभव हो रहा है आज यहाँ आकर, बिकॉज जो स्थान एक सीनियर मेंबर का किसी क्लब किसी फैमिली में होता है, बिकॉज मैं शुरू से एक ज्वाइंट फैमिली में रही हूँ, मेरा बचपन भी ज्वाइंट फैमिली में गुजरा है और अभी भी एक ज्वाइंट फैमिली में हूँ, बहुत अच्छे से समझती हूँ कि सीनियोरिटी को जो इज्जत देनी चाहिए, जो मान मिलना चाहिए, वही मान वही इज्जत पानीपत क्लब को मिलता है डिस्ट्रिक्ट 308 में. तो पहले तो शुरुआत ही बहुत अच्छे से हुई, हम स्कूल में गए, अनुराधा जी आपका काइंड जेस्चर, इन बच्चों को सर्दी के मौसम में यूनिफॉर्म्स प्रोवाइड करवाना, शूज प्रोवाइड करवाना, सॉक्स देना, नीरू जी ने इनोविल की रसोई का भार संभाला इस बार का, साथ ही साथ आज चेतना स्कूल का बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट किया. Another big project which was done today was that van which is provided by the club to the Jan Seva Dal. Our kind donor Neeru ji is here and our new member. Thank you Neeru ji and welcome to Innerwheel family. इसी तरह से Innerwheel Club Panipat के साथ आप जुड़े रहे. स्कूल में जाना तो अपने आप में एक अनुभव था. It was such a nice and touching project. उन बच्चों को देखकर actually एहसास होता है कि आप हम शायद कितने ना शुक्रे हैं. ईश्वर का धन्यवाद करने की बजाय हमेशा कंप्लेंट्स ही करते रहते हैं कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, और जो है उसके लिए धन्यवाद करना भूल जाते हैं. एक छोटा एफर्ट उस टाइम वहां पर भी किया गया, एक वाटर कूलर इंस्टॉल कराया गया है जो कि हमारे पूजा मेहंदी रत्ता जी हैं जो डॉक्टर उन्होंने लिखवाया. मैं देख रही हूँ सुबह से जितने भी प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं या अब तक के भी जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं सभी क्लब मेंबर्स के सहयोग से किए गए हैं. सब्सक्रिप्शन जो है देखिए एक पार्ट होता है, लेकिन जिस तरह से ऑन टेबल जो डोनेशन आती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. हमारी क्लब ट्रेजरर ने हमें बताया कि इस साल के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं अभी तक यू हैव टच्ड 22 लाख एंड फ्रॉम दैट 22 लाख 21 इज फ्रॉम चैरिटी. सो दैट्स अ बिग थिंग. बहुत कम क्लब्स में ये देखने को मिलता है. और जिस तरह से आपने इस पूरे अमाउंट को खर्च किया है वो भी बहुत काबिले तारीफ है. जिस तरह से बड़े प्रोजेक्ट्स किए गए हैं उसी तरह से छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स को भी उतनी ही अहमियत के साथ, उतनी कुशलता के साथ, उतनी इम्पोर्टेंस दी गई है और उनको किया गया है. जिस तरह से पूरे इनरव्हील ने पानीपत में जितना अपना नाम स्थापित किया है, एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन होना इसी का निशानी है. बिकॉज आज हमारे पास पानीपत में ही 4 क्लब हैं और ये होना कोई छोटी बात नहीं है. पानीपत एक बहुत बड़ा शहर नहीं है या हम ये कहें कि कोई मेट्रोपॉलिटन नहीं है, लेकिन उसमें जितना काम इनरव्हील जैसी लेडीज की जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो लेडीज का बनाया हुआ क्लब है, अगर वो करता है तो इट्स रियली समथिंग वेरी बिग फॉर अस. पसीने की स्याही से जो लिखते हैं इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं रहते. आरजू ये नहीं कि बस आप लोग सिर्फ वाह वाह करें, ख्वाहिश बस इतनी सी है कि लोग मेरे लफ्जों को भी समझें. तो अब मैं उनको आमंत्रित कर रही हूँ जिन्होंने कि अपनी निष्ठा से, अपने कार्यों से इस क्लब को इस मुकाम तक पहुँचाया है. जी हाँ, क्लब सेक्रेटरी सीमा चोपड़ा जी को. सेक्रेटरी सीमा चोपड़ा जी, थैंक यू सो मच मधु जी इतने प्यारे प्यारे शब्दों के लिए. अब मैं प्रोजेक्ट्स के बारे में थोड़ा जल्दी जल्दी से पढ़ूंगी. 1 जुलाई को हवन करके हमने साल की शुरुआत की थी, जहां हमने राशन डिस्ट्रीब्यूट किया और 5100 कैश आर्य समाज को दिया, और वहां जो जितनी फैमिलीज आर्य समाज में रहती हैं उनको भी राशन दिया था. 3 जुलाई को डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राशन का प्रोजेक्ट हुआ. फिर 31 जुलाई को हमने इंस्टॉलेशन कम तीज सेलिब्रेशन किया और उस दिन राशन दिया गया पास्ट प्रेजिडेंट दीपा गर्ग ने लेपर्स होम में. 31 जुलाई को ही हमने 50 टी शर्ट्स डोनेट की थी और
एक बच्चे को कपड़े डोनेट किए थे, नाम नहीं लिखा हुआ इसमें, सुमन अनेजा जी ने, जिसमें 5 कुर्ती जैकेट टॉप दुपट्टा और 2 जीन्स थी, और नीडी गर्ल को सुमन अनेजा जी ने दिए थे। और ये इतना मोटा न्यूज बुलेटिन इस बात का प्रतीक है कि हमारे काम मिले मौज ले रहा हूँ। एक्टिव मेंबर बुकिंग है, हमने एक्टिव कर दिया इसको, पर आज भी ना आपसे आकांक्षा जैन गुरप्रीत जी थोड़ा सा इधर नजर अनिपल शेफाली गुंबर जो कि रेनू जी की डॉटर इन लॉ है। मैम साहब थोड़ा सा अभी।